नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया पंचायत के मैदान में स्वर्गीय राम स्वरूप मंडल एवं स्वर्गीय इंदिरा देवी मेमोरियल फुटबॉल चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मैच का उद्घाटन विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, मुखिया ओम प्रकाश पासवान, शंभुगंज वीडियो प्रभात रंजन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान क्लब के संस्थापक मिथिलेश मंडल, श्रीकांत मंडल, सिटी बादशाह ने मुख्य अतिथि विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, वीडियो नवल किशोर ठाकुर, मुखिया ओम प्रकाश पासवान, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजय मंडल, छविनाथ मंडल, साथी सुरेश मंडल, महेश मंडल का फूलमाला और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। पहला सेमीफाइनल मैच फतेहपुर बनाम गनगनिया के बीच हुआ। फतेहपुर ने पेनल्टी एक गोल से जीत हासिल की। दूसरा मैच महिला लक्ष्मी स्पोर्टिंग क्लब इटहरी बनाम पहचान लाइफ फाउंडेशन मुंगेर के बीच हुआ। पेनल्टी शूट आउट में पहचान ने एक गोल से जीत हासिल की। तीसरा मैच एएफसी खेरिया बनाम बरहत मुंगेर के बीच हुआ, जो पेनल्टी से एक गोल से बरदह मुंगेर ने जीत हासिल की। सेमीफाइनल के पूर्व मुखिया संजय मंडल ने विजेता को शील्ड देकर सम्मानित किया। उपविजेता को साथी सुरेश ने शील्ड देकर सम्मानित किया। महिला टीम के विजेता को मुखिया ओम प्रकाश पासवान ने शील्ड देकर सम्मानित किया। उपविजेता को वीडियो नवल किशोर ठाकुर ने शील्ड देकर सम्मानित किया। फाइनल मैच के विजेता को विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उपविजेता को वीडियो नवल किशोर ठाकुर ने शील्ड देकर सम्मानित किया। मैच का उद्घोषक देवेश कुमार पासवान, कमेंटेटर अखिलेश पासवान, नीर नारायण, शशि कुमार, सुधांशु कुमार, राम रक्षा, रंजीत। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ता, क्लब के सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद थे। रुकिए ना, एक बार चिल्ला देते हैं।